नमस्कार मैडम, आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अब धीरे धीरे बिहार की सियासत जो है गर्माने लगी है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हुई है, चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव इसी साल होंगे और समय पर होंगे। ऐसे में अब जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से आवाज़ निकल के आई है कि जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो और तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेता नहीं है, उसके बाद अब जेडीयू और बीजेपी ने भी महागठबंधन के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया है, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। देखिए, सत्ता पक्ष तो मजबूत है, हमारा एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है, हमारा गठबंधन अटूट है, कहीं कोई बात नहीं है। महागठबंधन में पूरी तरह से बिखरा हुआ है, बिखराव है। वहाँ जहाँ जीतन राम मांझी एक वरिष्ठ नेता है, पुराने नेता है, दिग्गज नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, और वो लगातार जो है से कह रहे हैं कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव दो दिन का छोकड़ा जिसका राजनीति में कोई योगदान नहीं है, माता पिता के जो ऐसे अनुकंपा पर वो राजनीति में आ गया है, वो बड़े बड़े नेताओं के ऊपर दादागिरी करना चाहता है, उनको चाहता है कि वो हमारे नेतृत्व में चले, हमको नेता माने, और ये संभव नहीं है। इसलिए जो है कहने के लिए एक महागठबंधन है, जब आप इनके गठबंधन के अलाइज पार्टनर जितने हैं जो राजद के जो साथ में हैं इनसे बात कीजिएगा तो ये स्पष्ट नज़र आता है कि ये खंड खंड हो चुका महागठबंधन है। अब बताइए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बात ये कर रहे हैं, तो मांझी जी लास्ट ईयर के दिसंबर 31 को डेडलाइन दिया था उन्होंने कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन हो जानी चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है कि तेजस्वी जी अपने आप को सारे दल से बिना पूछे जाने खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। कई बार सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व दिया गया। किसने दायित्व दिया भाई? आपने पूछा पापा मुख्यमंत्री बन जाएं, मम्मी मुख्यमंत्री बन जाएं, भैया मुख्यमंत्री बन जाएं, सबने कहा बन जाओ, तो आप बन गए। पहली बात, मुख्यमंत्री बनता है लोग जनता के प्यार आशीर्वाद और वोट से, तो वो आपको कहीं से भी प्राप्त होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो महागठबंधन, तो आपने सुना तेजस्वी यादव पर साफ साफ जेडीयू और बीजेपी के जो नेता हैं वो भी चढ़ने लगे हैं, जब महागठबंधन के नेता ही ये कह रहे हैं कि 2019 में हार हो जाएगी। जिस तरह 2019 में महागठबंधन की हार हुई थी, वैसे ही 2020 में भी महागठबंधन की हार हो जाएगी, तो इस पर सत्ता पक्ष जो है वो तो हावी होगा ही। क्या बदलते समय में तेजस्वी यादव जल्द कोई अहम निर्णय लेंगे, तेजस्वी यादव की आरजेडी कोई अहम निर्णय लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।